मेरी तो बेटियां नाथ होगी बेटा, बेटे ने लेके गई गंगा जी मेरी बेटी, मेरा बेटा लेकर जाता अपनी माँ ने अपने बाप ने क्या मेरे तो माई ने मेरी बेटी गई। उन्होंने सारे बाहर निकल के और हमारे पे डंडे पंडे लेके और वो टूट पड़े हमारे पे। ट्यूशन के लड़के आ रहे उसको माँ बहन गाली गलौज करते थे, उनके माँ बाप लड़कों के भी सहयोग करते हैं उन बच्चों को, तभी तो वो बच्चे शेर हो जाते हैं जो ऐसे चाकू लेके मार देते हैं किसी को कोई। तो यही वो जगह है जहाँ पर कुछ लड़के बैठा करते थे, 8-10 लड़के रोज ग्रुप बना के बैठते थे, यहीं पर नशा करते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट बीड़ी शराब पीते थे, गाली गलौज करते थे और कहा जा रहा है कि लड़कियों को छेड़ा भी करते थे। और करण के परिवार वालों ने, उनके चाचा जी ने कई बार उनके रोकने की कोशिश की, क्योंकि करण का घर बिल्कुल बगल में है, साथ ही है, यही घर आपका, ये घर यही घर के सामने बैठते थे सारी। उस दिन शनिवार की रात यहीं पर जो है यहीं पर स्कूटी रोकी थी करण ने, और यहीं पर स्कूटी रोकने के बाद एक लड़के ने इन्फॉर्मेशन दी अंदर से आके, इस गली में से आकर, तो इसी गली में से आकर एक लड़के ने इन्फॉर्मेशन दी और लड़के पीछे खड़े हुए थे 8-10 लड़के, वो सभी लड़के आए यहाँ पर और यहाँ पर इसी जगह पर करण को, हाँ जी मुड़ के जैसे ही उसको तो नहीं दिखा ना यहाँ गली में से कौन आ रहा है, वो जैसे ही मुड़ के आए वो इशारा देने वाला तो निकल गया, वो अंदर से गली में से ही लड़के आए, वो जैसे ही करण यहाँ से टर्न हुआ तो यहीं पर उसको मार दिया, यहीं पे उसको घात लगा के बैठे थे उन्होंने, दे चक्कू मार दिए। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह की वारदातें होती रहती हैं यहाँ पर, इस तरह जो लड़के हैं वो सिगरेट बीड़ी, हाँ पहले कई बार ही उनको लड़कों को यहाँ पे मना किया है यहाँ मत बैठा करो, बस हमारी गलती यही है कि हम जो गंदे लड़के थे जो बदतमीजी करते होते थे हम उनको रोका करते थे कि यहाँ मत बैठे करो, अपने घर पर जाओ घर पर बैठो, हमारे यहाँ बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, हम यही हमारी गलती यही है, हम उनको मना करते थे बस। फिलहाल 7 से 8 लड़के पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि और भी लड़कों की खोजबीन की जा रही है, लेकिन करण के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए ताकि इस तरह की वारदात आगे ना हो। 21 साल का जो चिराग उजड़ गया है वो किसी घर का अब इसके बाद ना उजड़े। आपका क्या सोचना है इस वारदात के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सौगन टीवी के साथ, कैमरामैन अनिकेत के साथ अंकित वर्मा, सौगन टीवी दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।